नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से सिक्स पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड वी ईच पार्टिकल अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर सवाल है कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है uh, इसमें सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल यहाँ है एक यहाँ है या आपके रेगुलर हेक्सागन पे uh, छह पार्टिकल रखे हैं इस सबकी साइड ए है राइट सो ये आपकी साइड ए है ना ये पार्टिकल जो है लेट से ये वाला पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी से अब ये वाला पार्टिकल जो है इस कॉर्नर की तरफ नहीं भाग रहा है ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे वो करेगा कि इस वक्त वो है और जैसे ये पार्टिकल यहाँ से थोड़ा सा ये थोड़ा सा आगे गया वो थोड़ा सा और आगे मूव करेगा इसकी डायरेक्शन हल्की सी इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी और ये वाला पार्टिकल अगेन इस डायरेक्शन में जाएगा फिर यहाँ पर जाके मे बी आ, वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा क्योंकि पार्टिकल थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया यहाँ पे फिर वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा वो इधर शिफ्ट होकर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इवेंचुअली सारे पार्टिकल जो हैं वो ऐसे मोशन करेंगे और इवेंचुअली सारे पार्टिकल जाके सेंटर पे मिलेंगे सो दिस इज द स्नैरियो ये अपना फाइनल काम होने वाला है ना इस केस में अगर ये देखेंगे तो क्योंकि आपका रेगुलर एग्जागन है थ्री सिक्सटी डिग्री का टोटल एंगल होता है तो ये वाला एंगल आपका सिक्सटी या सिक्सटी या सिक्सटी का एंगल हो गया दैट मीन्स ये साइड ए है तो इस ट्रैंगल की सारी साइड्स ए हो जाएंगी हम सिर्फ और सिर्फ अभी इस एक पार्टिकल को और इस पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं Now, उस केस में अगर ये देखेंगे तो ये वाला जो आपका पार्टिकल है ये पार्टिकल इवेंचुअली यहां से यहां जो मूव किया है डिस्टेंस ट्रेवल जो है आ, वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया ए बिकॉज यहां से यहां आपका इवेंचुअली मूव किया है ना अब इसकी जो वेलोसिटी है आ, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो अपना ए हो गया अभी जो पार्टिकल है उसकी वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है उसकी इवेंचुअल इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है लेट्स से ये एंगल थीटा है थीटा अभी 60 डिग्री है बट हम जेनेरिक केस कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू वी कॉस थीटा राइट सो ये आपकी रिलेटिव वेलासिटी हो जाएगी नॉ टाइम टेकन जो है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई आपकी रिलेटिव वेलासिटी सो दिस विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय वी कॉस सीटा सो so, यहाँ पे अगर हैगजागन ना हो के एंड साइडेड पॉलीगन है तो आप इसको डायरेक्ट उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं सो स्क्वायर भी हो सकता है और 10 साइड बीस साइड 50 साइड का भी वो हो सकता है तो कॉस सीटा की वैल्यू वेरी करेगी यहाँ पे सो टाइम टेकन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू टू ऐसे आएगा ए डिवाइडेड बाय वी बाय टू विच एम्प्लाइज टाइम हो जाएगा आपका टू ए बाई वी सो ये आपका फाइनल टाइम टेकन हो जाएगा ठीक है सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर